अरे अजय भाई कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। राम चलेगा मेरे साथ? मैं नहीं, अभी थोड़ा काम है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम तो बाद में भी होता रहेगा, थोड़ी देर की बात है, चला मेरे साथ। आप क्या कहते हो? अभी आ जा, अभी छोड़ दूंगा तुझे। चलो आओ, बता सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, काम सही चल रहा है। हाँ बस आपकी दुआएं, आप बताइए। और आप नमाज पढ़े आए? हाँ बस भाई बढ़िया है, सही है, नमाज पढ़िए। राम खोर करा रहे मुझे, तेरे में शिकायत करूंगा। चाचा गलती हो गई, गलती कैसे हो गई? पत्थर आ गया, पत्थर आ गया, पत्थर आ गया। और राम आज बड़ी जल्दी आ गया तू? हाँ खेत में पानी लगाना था। अच्छा बस लगा के आ गया। बस मैं भी यार थोड़ी घास डाल दूं घोड़ों को, फिर चलते हैं अपन। आ जाते बस यार, काम थोड़ा ज्यादा था। अली अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, क्या हुआ? क्या हुआ भाई, इतना घबरा क्यों रहे भाई? सब ठीक तो है भाई? हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया भाई। हाँ भाई, मुसलमान का झगड़ा भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ ये जगह घर से बिल्कुल खाली नहीं है भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो चला अपने घर को भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग चलो भाई। अरे अरे कादिर, अरे तो है मेरी बात भाई। अरे सुन कादिर, कादिर चल रहा हूँ, चलते हैं अब। क्या अली भाई, ये हिंदू मुसलमान होता क्यों है और ये आपस में लड़ते क्यों हैं? राम मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे। कुछ बुरे लोग हम मुसलमान लोगों में भी हैं और कुछ बुरे लोग आप हिंदू लोग हैं। और जो वो बुरे लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठाकर झूठी अफवाहें फैलाकर हम हिंदू मुसलमान को बांटना चाहिए। हमें आपस में लड़ाना चाहिए ताकि हमारे बीच में नफरत फैले, क्योंकि उन लोगों का काम यही होता है, समझे? पर हम समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन सब चीजों में नहीं आएंगे। कीजिएगा, हाँ ठीक है, देर हो गई है, चलते हैं, वैसे माहौल ठीक नहीं है। अरे चलो देख लेंगे इन हिंदुओं को भी। हाँ देख लेंगे भाई। ओए इधर आ, जल्दी आ, क्या कर रहा है यहाँ पर? चल निकल यहाँ से। और ये राम और अली, इनको तो मैं बताता हूँ। हेलो जी जाकिर भाई, हेलो निकल बढ़िया से। क्या हुआ जाकिर भाई? तुझे मना किया है ना इस राम के साथ मत रहा कर, वो हिंदू है, समझ में नहीं आता? जाकिर भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलतियां दोनों तरफ की बराबर होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये झूठी अफवाह फैलाकर हम हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। आप जैसे लोग इन अफवाहों को फैलाते हैं और मानते हैं, मैं इन अफवाहों को नहीं मानता। राम मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे अपना छोटा भाई समझता हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अल्लाह के वास्ते इन झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है और आपस में हिंदू मुसलमान में प्रेम बरकरार रखें। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।
अली भाई, अली भाई, अली घर पे नहीं है, वो नमाज पढ़ने गया है। अच्छा ठीक है। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में? इसे मेरी बकरी चाहिए। मैंने कोई बकरी नहीं देखा था। झूठ बोल रहे हो ये। कुत्ता पहले भी सब तुम्हें बताया कि मेरी बकरी मैंने देखा था तू। अरे भाई आजकल वैसे ही बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, हैं? आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम रहने दो, खुद ही बैठ लूंगा इधर। ये क्या कर रहे हो तुम? ये है क्या कर क्या रहे हो? ये छोड़ो इसे। राम बोलू ना वही मुड़ जाना। राम राम भाई, राम राम, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है? दो दिन हो गए तू मुझसे मिला भी नहीं। राम मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, दो दिन हो गए तू मुझे मिला भी नहीं। तू रहा कर मुझे, मुझे ना लेना, मुझे ना दोस्ती साथ आकर। ये कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया? हाँ मैं देख रहा हूँ तुझे, उस लड़के को मार दूंगा। तेरा अंदर घंटा था बेटा, पुरोहित था ना वो लड़का? नहीं पुरोहित नहीं, हिंदू था वो, इसलिए तुझे मार रहा था ना। अरे तू पागल हो गया? हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहा है? पागल हो गया ये, पागल हो गया। क्या करेगा तू? मारेगा इसे जैसे उस रोहित को मारा था। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, जब ये तुझसे नहीं बात करना चाहता तो क्यों तू इसके पीछे पड़ा हुआ है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझसे बात कर रहा हूँ। पर तू पीछे होकर बात कर, पीछे होकर के बात कर। जब ये तुझसे नहीं मिलना चाहता, तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। मदीना खाला, मदीना खाला, वहां चलो, वहां लकड़ी डाल पे और हमको झगड़ा हो गया है। अली तुम्हारा बड़ा भाई है। 20 साल पहले। अरे बच्चों मान जाओ, क्यों शैतानी कर रहे हो इतनी? देखो चोट लग जाएगी, बच्चे बिना मानते ही नहीं है। और बताओ राधा। क्या बताऊं दीदी, मेरी शादी के पूरे 10 साल हो गए हैं, अभी तक मेरी गोद नहीं भरी, खाली की खाली है। अरे दादा तुम क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। खुदा ने कहा देर है अंधेर नहीं है, तुम परेशान मत हो, बहुत जल्दी मिठाई खिलाओगे तो मुझे अपनी माँ बन लेगी। पता नहीं दीदी मेरे नसीब में माँ बनने का सुख है भी या नहीं। अरे तुम खूब फिक्र करती हो, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी माँ बनोगे, तुम परेशान मत हो मेरी बहन। मदीना दीदी, मदीना दीदी, मदीना दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशखबरी है। क्या बात है राधा, बहुत खुश नजर आ रही हो। दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे राधा ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं ना कह रही थी खुदा के तस्वीर है अंजुम ने, क्या अल्लाह तेरा नाम खराब शुरू कि मेरी बहन की सुन गई, आज मैं दो लगा बहुत खुशी की बात है। अरे मैं भी भगवान मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाती हूँ और मोहल्ले में मिठाइयाँ भी तो बांटनी है। अरे सुनो राधा, हाँ ध्यान से जाना और आराम से जाना, अब एक नहीं दो जिंदगियों का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से जाना। मदीना दीदी, मदीना दीदी, बाजार नहीं चलना क्या? मम्मी नमाज पढ़ रही है।
हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, दीदी को परेशान करके रख दिया। अच्छा दीदी, आप आराम से पढ़ लीजिए ना, मैं यही सीढ़ी पे बैठी हूँ। अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारी बच्चे की हिफाजत करे। चलो बाजार चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है राधा, तुम जाओ, मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करती हूँ। माफ करना दीदी, थोड़ा टाइम लग गया। अरे कैसी बातें कर रही हो राधा, अच्छा हुआ ना तुम मंदिर चली गई। मंदिर हो या मस्जिद हो, जितना बैठो उतना चैन और सुकून मिलता है। ये तो हम लोगों ने आपस में बांटा हुआ है, नहीं तो हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है। हिंदू लोग गीता बोलते हैं, मुसलमान लोग कुरान बोलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। सही कह रही हैं। मेरी तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेडिसिन वगैरह लिया आपने? हाँ डॉक्टर साहब। रिपोर्ट आ गई इनकी? हाँ हाँ डॉक्टर साहब आ गई। क्या हो डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? इनके रिपोर्ट में टीवी के लक्षण पाए गए। कुछ समय तक ये अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ठीक है मैं चलता हूँ, बाकी दवाई टाइम पर लेते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। दीदी परेशान ना हो, इस वक्त एक बहन बहन का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मैं पालूंगी इसे, मैं पिलाऊंगी इसे अपना दूध। राधा अब ये फर्ज निभाने से भी मना मत कर देना दीदी। मैं तो यही खेल रहा था, ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ चला जाता है। चाचा आपने मेरे बेटे राम, इतना बड़ा सा मेरे राम को देखा है क्या? कहाँ गया ये? हे भगवान, आपने मेरे बच्चे राम को देखा क्या? इतना छोटा सा राम। अरे बहन जी रुको, पीछे गली में एक एक्सीडेंट हुआ है, भीड़ लगी हुई है, शायद कुछ तो नहीं है। आपको कहीं तो नहीं है? अरे रुको बहन जी, हम चल रहे आपके साथ। तीन दिन हो गए राधा, ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है। लो पानी पी लो। थोड़ा सा पी लो राधा। नहीं दीदी मन नहीं है। राम के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। मत परेशान हो मेरी बहन। दीदी मैंने और मेरे राम ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो भगवान ने खुशी देकर छीनी, आखिर ये खुशी छीनी थी तो नहीं की। ऐसा नहीं बोलते राधा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख। राम के जाने का दुख बहुत है, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता,
बहुत दुखी हूँ तुम्हें देख के। आज से जो मेरा बेटा है ये तुम्हारा है। नहीं दीदी, आपने मुझे पहले से बहुत एहसान किया, ये मत कीजिए। तुम मेरी बहन हो और सगी बहन से भी बढ़कर हो, और यहाँ तक कि तुमने मेरे बच्चे को पाला है और 3 महीने तक अपना दूध पिलाया है, मुझसे ज्यादा हक तो तुम्हारा है इस पे। नहीं मेरी बहन, ऐसा मत करो, ये तुम्हारा ही तो माँ मुझे माफ कर दो, मैं सच में किसी के भड़कावे में आ गया था, मुझे सच में नहीं पता था अली मेरा भाई है। माँ मुझे माफ कर दो, अगर माफी ही मांगनी है अपने बड़े भाई से मांग जा। अली भाई, राम तू मेरे छोटे और गलतियां ना होती बोल। हाँ चले, कल दिवाली है, मैं अली भाई के साथ कल दिवाली मनाऊंगा, वह इस बार दिवाली हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ, हम सब मिलके दिवाली मनाएंगे दिवाली। अरे ये हमारा त्योहार है क्या? ये हिंदुओं का त्योहार है। अरे जाकिर भाई, आप अभी भी हिंदू मुसलमान में है? चलिए मैं आपके दिमाग का फितूर दूर कर देता हूँ आज एक शेर अर्ज करके, कि हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं होता, हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं होता, अगर होता तो दिवाली में अली और रमजान में राम नहीं होता। अरे जाकिर भाई, अरे भाई जब हम मुसलमानों के त्योहार उनके भगवान राम का नाम आता और उन हिंदू भाई के त्योहार में हमारे अल्लाह पाक का नाम तो भेदभाव कैसा जाकिर भाई? अली ठीक कह रहा है, हमें आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो मुसलमानों का त्योहार है वो हिंदू खुशी खुशी मनाए, जो हिंदुओं का त्योहार है वो मुसलमान खुशी खुशी मनाए, तो कभी कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हम हुए तो सब इंसान ना, सब अल्लाह के और भगवान के बंदे हैं, हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाई साहब, आप किस युग में जी रहे हैं? जब तक आप अपने दिलों और दिमाग से हिंदू और मुसलमान के बीच की नफरत नहीं हटाएंगे तो न तो आपकी सोच बदलेगी न यहाँ के लोगों की सोच बदलेगी। सबसे बड़ा धर्म हिंदू है न मुसलमान, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। आइए अपना मुंह मीठा कीजिए। राकेश भाई, आइए भाई, आइए आप भी। आज हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे गांव से हिंदू मुसलमान के बीच गैर खत्म हो चुका है और हम सब मिलकर खुशी खुशी दिवाली मना रहे हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। साथ में।